सावधान सावधान सावधान। जी हाँ, अगर आप अपने घर की महिलाओं और बच्चियों को कैब सर्विस बुक करने की इजाजत दे रहे हैं तो सावधान हो जाइए। ऐसा ही एक मामला चंडीगढ़ के डंडमाजरा कॉलोनी में उबर कैब सर्विस ड्राइवर का सामने आया है। यूँ तो उबर कंपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डोर टू डोर कैब सर्विस और सेफ कैब सर्विस देने का दावा करती है, परंतु कहाँ तक सच है इसका अंदाजा हाल ही में चंडीगढ़ के डंडमाजरा कॉलोनी में देखने को मिला, जहाँ शिकायतकर्ता ने ट्यूशन जाने के लिए उबर कैब बुक करवाई, लेकिन उबर कैब के ड्राइवर ने शिकायतकर्ता का नंबर सेव कर लिया और उस बच्ची के साथ करीबन एक महीने तक लड़की बनकर व्हाट्सएप चैट करता रहा। खुलासा तो तब हुआ जब ट्यूशन टीचर वह बच्ची आमने सामने हुई। उसके बाद बच्ची के परिजनों ने उस नंबर को कॉल कर ड्राइवर को बुलाया और दर्द पूछा। सर, बेटी के एग्जाम थे पिछले महीने बीए के, तो बेटी कैब कराती थी। कैब के जरिए इसने वो नंबर ले लिया, उबर कैब बुक कराई, इसने उस नंबर से चैटिंग करनी शुरू कर दी बेटी के फोन पे, लड़की बन के मैसेज करता रहा एक महीने से। बेटी कल रिजल्ट आया बेटी का, तो बेटी ने उसी नंबर पे मैसेज किया कि दीदी आपने मेरा रिजल्ट देखा, मुझे कुछ बताया भी नहीं है, भी मैं एक पेपर में मेरा सप्ली आई है। इसने कोई रिस्पांस नहीं, इसने रिस्पांस दिया है, कहता कि आपने स्टडी नहीं की थी, पढ़ाई नहीं की थी, ये लड़की बन के इसने सारी चैट की उससे रात। ठीक है, तो रात जिस दीदी से वो सोच के चैटिंग कर रही थी भी हाँ ज्योति दीदी है उनका नंबर है, वो रात आमने सामने हो गए। तो बेटी ने बोला दीदी आपने मुझे रिप्लाई नहीं किया, बताया नहीं, मेरा एक पेपर में रह गया है। अच्छा। कहती तूने तो मुझे अपना रिजल्ट नहीं दिखा, कहती मैंने व्हाट्सएप किया था, कहती दिखा कौन से नंबर पे किया था, उसने अपना व्हाट्सएप दिखाया, तो ज्योति ने बोला कि ये तो मेरा नंबर नहीं है बेटा। ओके। मेरा नंबर तब मेरी बेटी ने मुझे कॉल किया, मम्मी मेरे को एक नंबर से एक महीने से कोई फोन कर रहा है, ये नंबर चेक करो आप। मैंने नंबर चेक किया तो ये नंबर इसका था, जसवीर का, इससे मैंने बात करी कल, फिर सारी मैसेज की चैट और बाकायदा ये बेटी की गैलरी में व्हाट्सएप उसमें जो प्रोफाइल होती पिक, वो इसको गैलरी में सेव करके ना उसको एडिट करके उसको वापस भेजता था। सो नाइस पिक, ये वो, ये ऐसे ऐसे हरकत करता था ये। इसको मैं रात से फोन कर रही हूँ, इसका मैंने एड्रेस पता करा लिया, घर का नंबर सारा, इसका नाम, और इसको मैंने बोला या तो मुझे आके मिल ले, नहीं तो मैं तेरी कंप्लेंट सीधा दूंगी, बाद में मत बोलना, मैं तेरे घर से आके उठा के लेके जाऊंगी तेरे को। बड़े प्यार से इसको, काफी दिन से इसको फोन कर रही हूँ मैं, ये नहीं आ रहा था काबू, ये आज काबू आया। मैं पुलिस कार्रवाई चाहती हूँ जी, आज मेरी बच्ची के साथ, मेरी बच्ची को गुमराह किया गया है, कल को किसी की बच्ची के साथ भी ऐसा हो। पहले ऑटो में रेप होते रहे, अब कैब वाले, टैक्सी वाले, उबर ओला वाले ये हरकतें करने लगे, तो कहाँ लड़कियाँ सेव हैं। ड्राइविंग ना कर दें उबर कंपनी, हाँ चैटिंग हैगी है, पर उच मैं कोई गलत भाई गलती ना, मेरे तो नंबर लग गया थी, कोई ऐसा ही मानसा नहीं सी जी, सिर्फ वो उन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग करके हो गया। अभी आप हमारे को एक मैसेज आया था कि किसी लेडीज़ को डंडमाजरा में कोई प्रॉब्लम है, तो हम वहाँ पहुँचे, जैसे वहाँ पे कोई ड्राइवर था एक उबर टैक्सी का, जिसने जसमेर सिंह नाम बताया, और उसके बारे में अभी कंप्लेंट ले ली हमने, उसके हालात वेरीफाई कर रहे हैं, हाँ जो भी कार्रवाई बनेगी उसके बाद उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। चंडीगढ़ से प्रवेश फरंड की रिपोर्ट।